श्री राधे कृष्ण 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 जय लड्डू गोपाल की जय पाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सुनेंगे बहुत सुंदर कथा सावन मास की, जिसे सुनने मात्र से ही सुख समृद्धि सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और सौभाग्य बढ़ता है। इस कथा को आप मन और भाव से सुने। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनका एक पुत्र था। अपने पुत्र की शादी करने योग्य एक सुंदर सुशील लड़की देखकर वे अपने पुत्र का विवाह कर देती हैं उसके साथ। वह लड़की बचपन से ही भगवान शिव की आराधना क्या करती थी, पूजा क्या करती थी। सावन मास आता है और वह बहू अपनी सासू माँ से कहती है कि माँ जी, मुझे सावन मास की पूजा करने के लिए मंदिर जाना है। मैं भगवान शिव की पूजा आराधना मंदिर जाके रोज़ नियम से करती हूँ। सासू माँ मना कर देती है। सासू माँ कहती है, नहीं बहू, इतना समय मंदिर में लगाएगी, घर पर ही कर ले, सारा काम फैला हुआ है, बहुत समय लग जाएगा, घर का कुछ भी काम नहीं होगा अगर आप मंदिर जाके पूजा करेगी। इस तरह बहू चुप हो जाती है और उदास हो जाती है और वह अपने घर का सारा काम करती है। फिर अगले दिन वह सुबह मंदिर तो जाती नहीं है, वह कुएँ पर जाती है पानी लेने के लिए। और कुएं पर पानी लेने जब जाती है तो उसे वहाँ दो लड़कियाँ मिलती हैं। वह उनसे पूछती है, तुम कहाँ जाती हो? वे लड़कियाँ कहती है बहू से, हम तो सावन मास लगा हुआ है, हम तो मंदिर जा रहे हैं, भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। बहू कहती है, मेरा भी बहुत मन करता है मंदिर जाकर सावन के महीने में पूजा करूँ, लेकिन मेरी सासू माँ ने मना कर दिया, इसलिए मैं मंदिर जाकर पूजा नहीं कर पाती हूँ। मैं रोज़ वह लड़िया कहती है, तो तुम ऐसे करो, हमारे साथ ही मंदिर चल के पूजा कर लिया करो। वो कहती है, मैं नहीं जा सकती, मैं कैसे जाऊंगी, मेरी सासू माँ नाराज़ हो जाएगी। वह कहती है, तुम्हारी लड़कियाँ कहती हैं, तुम्हारी सासू माँ को पता नहीं चलेगा, तुम रोज़ कुएँ पे पानी लेने इस समय आ जाया करो और हमारे साथ मंदिर चला करो और पूजा कर लिया करो भगवान शिव गौरी मैया की। बहू कहती है, मेरे पास तो कुछ सामान पूजा की सामग्री भी नहीं है, मैं कैसे पूजा करूंगी। लड़कियाँ कहती है, तुम चिंता मत करो, हमारे पास जो पूजा की सामग्री है तुम उसी में से नियम से रोज़ पूजा कर लिया करो। बहू कहती है, ठीक है। अगले दिन बहू कुएं पे पानी लेने जाती है, वह दोनों लड़कियाँ मिलती है और उनके साथ मंदिर पूजा करती है। मन और भाव से शिवलिंग का जल अभिषेक करती है, बेलपत्र अर्पित करती है और पूरे विधि विधान से भगवान शिव और गौरी मैया की पूजा करती है। इस तरह से वह पूरे सावन मास नियम से मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करती। आखिरी दिन आता है सावन मास का, तो बहू उस दिन पूजा करने के लिए जाती है तो सोचती है कि मैंने पूरे सावन मास इन दोनों लड़कियों की ही पूजा सामग्री से पूजा की है और मैंने तो अपने आप से भगवान पर कुछ भी अर्पित नहीं किया है। बहू के पास कुछ भी नहीं होता है, बस एक नथनी होती है सोने की, वह उसे ही भगवान शिव और माँ गौरी को समर्पित कर देती है, अर्पित कर देती है। और जब वह वहाँ से पूजा करके आती है तो रास्ते में सोचती है कि मेरे पास तो एक नथनी ही थी, वो मैंने भगवान शिव को चढ़ा दी, अर्पित कर दी है, तो आप सासू माँ घर पर जाकर देखेगी तो मैं क्या कहूँगी, मेरी नथनी नहीं मिलेगी, तो मेरी सासू माँ कहेगी नथनी कहाँ गई, तो मैं क्या कहूँगी। वह सोचती हुई आती है रास्ते में, तो वह आँख बंद करके और भगवान शिव से हाथ जोड़कर कहती है, प्रभु मुझे शक्ति देना, मैं अपनी सासू माँ को सभी बात बता सकूँ और मुझे झूठ बोलने के लिए क्षमा करना। और वह अपने घर चली जाती है। घर जाकर वह सारा काम करती है और अपनी सासू माँ से मुँह छुपाई रखती है सारा दिन। शाम के समय सासू माँ की नज़र बहू के चेहरे पर पड़ती है। सासू माँ कहती है, बहू तेरी नथनी कहाँ गई? बहू कहती है, माँ जी नल पर कुएं पर पानी लेने गई थी, वहाँ गिर गई होगी। सासू कहती है, चलो ठीक है, कुएं पर ढूंढने चलते हैं। दोनों सासू बहू कुएं पर नथनी ढूंढने जाते हैं, वहाँ नथनी नहीं मिलती है। सासू माँ कहती है, बहू कहीं जहाँ उपले पाथने गई थी वहाँ तो नहीं गिर गई। बहू कहती है, सासू माँ हो सकता है, चलो। सासू माँ कहती है, चलो वहाँ भी देख के आते हैं। वह जहाँ उपले पाथ के रखे थे वहाँ जाती हैं दोनों सासू बहू और सारे में नथनी ढूंढती है। वह उपले फोड़ कर देखती है तो उसमें नथनी मिलती है। सासू माँ एक उपला फोड़ती है, उसमें भी नथनी मिल जाती है। बहू कहती है, मेरे उपले में माँ जी नथनी मिल गई है। सासू माँ कहती है, मेरे उपले में भी नथनी मिल गई है, नथनी एक थी लेकिन दो मिल गई। वह और उपले फोड़ कर देखती हैं तो सभी उपलों में उन्हें नथनी मिलती है। वह फिर सासू माँ को सारी बात बता देती है कि माँ जी, मैं ऐसे ऐसे मंदिर जाती थी, मैंने पूरे सावन मास भगवान शिव की आराधना की है, आपको बताया नहीं है, लेकिन मैं रोज़ पूरे सावन मास भगवान शिव की पूजा करने आराधना करने मंदिर गई थी।
इस तरह से सासू माँ जब देखती है आश्चर्यचकित हो जाती है और सुनते ही वह हाथ जोड़कर भगवान शिव से माफ़ी मांगती है। सासू माँ कहती है, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मुझे माफ़ कर देना, मैंने इतना बड़ा अपराध किया। अपनी बहू को आपकी पूजा करने से रोक दिया, मंदिर जाने नहीं दिया, लेकिन आपने फिर भी मेरी बहू की इच्छा को पूरा किया और एक नथनी के बदले आपने इतनी सारी नथनी मेरी बहू को दी। अब जब भी सावन मास आएगा हम दोनों आपकी नियम से पूजा करेंगे, मंदिर जाकर सास बहू दोनों अच्छे से आपकी पूजा अर्चना करेंगे। अब सावन मास आता है, दोनों सासू बहू मंदिर जाती हैं, भगवान शिव माँ गौरी की अच्छे से पूजा करती हैं, शिवलिंग पर जल अभिषेक करती हैं, पंचामृत अभिषेक करती हैं, बेलपत्र अर्पित करती हैं और नियम से भगवान शिव गौरी माँ की पूजा करती हैं। ऐसा करने से उनके घर पे सुख समृद्धि धन वैभव सब की सब बढ़ता है और बहू को एक सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। उनका जीवन बहुत ही खुशियों से भर जाता है सावन मास की नियम से पूजा करने से। भगवान शिव अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जो लोग सावन मास में नियम से हर रोज़ भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं, बेलपत्र अर्पण करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी सावन मास में इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले दोनों का भला करें, दोनों की इच्छाओं को पूरा करें, सुख समृद्धि उनके घर में हमेशा रखें। इस कथा के सुनने मात्र से पूरे सावन मास का पुण्यफल प्राप्त होता है। सावन मास की कथा की इतनी महिमा है। फ्रेंड्स, सावन मास में नियम से पूजा करें, व्रत कथा सुनें। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय पाल गोपाल की।